नमस्कार, मेरा नाम रामेश्वर कांगुने। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं कांगुने फैशन चैनल पे। देखिए, मैंने इसके पहले का जो वीडियो बनाया है उसमें मैंने प्रिंस कट का योग वाला जो प्रिंस कट होता है उसकी कटिंग बताई है आपको, वो भी पूरी जानकारी दी है उसमें डिटेल में। आप आपको जो है जो मैंने कटिंग की है उसकी स्टिचिंग करना है। आप स्टिचिंग किस तरह से की जाती है उसके मैं पूरे वीडियो में आपको जानकारी दूंगा। देखिए, जितनी सफाई से आप काम करते हो उतना ज्यादा आपको कस्टमर मिल जाता है, लेकिन कोई भी काम अगर रफ करते हो आप तो आपका कस्टमर कम हो जाता है। देखिए, कोई चीज ऐसी होती है कि वो आपको पसंद नहीं आती है, तो देखिए जो चीज आपको पसंद नहीं आ रही है तो मुझे बताइए जो आगे कस्टमर जो आएगा उसको कैसे पसंद आ सकती है। अगर आपको वो चीज पसंद नहीं आ रही है तो आपको उसे खोलना है, फिर से बनाना है, तभी जाके क्या हो जाता है कि जब अपना मन संतुष्ट रहेगा तो आगे का कस्टमर भी वो उसको देख के ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है। कहीं पे भी आप गलती करते हो आपको पता चलता है तो वहां पे जाने दो, ये चीज नहीं बोलना है आपको। जब भी आप जाने दो ये चीज बोलते हो तो वो क्या हो जाता है, आपको बार बार वही आदत लगना शुरू हो जाती है। तो कभी भी आपको ये बोलना नहीं है कि जाने दो, हमें वो चीज करना ही पड़ेगा, तब हमारी जो गलतियां होती है वो सुधारती है। देखिए, बुरी आदत अपने को जल्दी लगती है। आप अगर देखते हो तो आपको बुरी आदत जो होती है वो हमें जल्दी लगती है, लेकिन कोई भी अच्छी आदत लगाने को हमें टाइम लगता है। इसलिए हमें क्या करना होता है, खुद को चेंज करना होता है। जो चीज हम बना रहे हैं वो काफी अच्छी आ रही है या नहीं आ रही है ये डिसाइड हमें खुद करना होता है। कस्टमर को कस्टमर के ऊपर नहीं छोड़ना है, चलो जाने दो ये कस्टमर को कुछ समझता नहीं है, ये ऐसा है उसको पहनने की भी कुछ पता नहीं है, वो चल जाएगा। लेकिन देखिए, वो तो पहन लेगी लेकिन उसको देखने वाले 10 लोग होते हैं, तो 10 लोग आपको राय देंगे कि देखिए ये आपका ब्लाउज इधर जा रहा है, आपके ब्लाउज को इधर चुनी आ रही है। तो क्या होता है, उससे कई कस्टमर आपके खराब हो जाते हैं। लेकिन वही ब्लाउज अगर अच्छा होता है, वो लेडीज पहन लेती है और उसे पूछते हैं कि ये ब्लाउज किसने सिया, तो वो डायरेक्टली आपका एड्रेस दे देता है। तो यही बेनिफिट होता है आपका सफाई काम करने का। आपको कोई मार्केटिंग करने की, लेडीज कामों में ये चीज आपको ध्यान रखना होता है, लेडीज कामों में ज्यादा आपको मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं होती, आप तो ये खुद जानते होंगे। इसलिए आपको काम इस तरह से करना है कि सफाई बहुत ज्यादा आपको देना है। देखिए, मैंने जो प्रिंसेस कटिंग किया है उसको मैं आज स्टिचिंग करने वाला हूं, उसको शुरू से लेके आपको लास्ट तक देखना है। आप अगर शुरू से लेके लास्ट तक देखते हो तो आपको ये पूरा समझ में आ जाता है। देखिए, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ चुके हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है आपको और घंटी पे क्लिक करना है। घंटी पे क्लिक करने के बाद आपको वहां पे ऑप्शन आएगा ऑल, जब ऑल पे आप सेलेक्ट करते हो तो वो जितने भी मेरे वीडियो बनते हैं उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन जो मार्किंग की है हमने उसके बाजू में हमें रखना है 1.25 इंच, ज्यादा भी बड़ी हमें पट्टी नहीं रखना है और इसे हमें काट लेना है। इतनी साइज रखते हुए हम इसे काट लेंगे। तो देखिए, हमने मार्किंग करने के बाद इस तरह से हमारे पास एक ट्रेसिंग हील होती है। अगर आपके पास ट्रेसिंग हील नहीं है तो हमें क्या करना होता है वो भी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं ये मार्किंग करके ले लेता हूं। इससे क्या हो जाता है, आपको गले का आकार बनाने में काफी आसान हो जाता है। देखिए, इस तरह से हमने यहां पर मार्किंग करने के बाद दूसरी साइड में हमें मार्किंग पता चलती है। अगर आपको ये आपके पास ट्रेसिंग हील नहीं है तो आपको क्या करना है, इसे इस तरह से पलटी करके ले लेना है, देखिए, और इसके ऊपर रखने के बाद हमें इस तरह से इसे ये करना है। तो देखिए, हमारा ये इस तरह से गले का आकार हो जाता है।
अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर मार्किंग करके लेना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसके पहले का जो मैंने बिना योग वाला प्रिंसेस कट आपको सिखाया था, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि मैं पाइपिंग अलग अलग तरीके से आपको करके बताऊंगा। तो देखिए, हमने फैब्रिक लिया है ब्लैक कलर का। अब ब्लैक कलर के हमें यहां पे पाइपिंग करना है, तो वो किस तरह से पाइपिंग करना है डोरी की, वो भी आज हम सीखेंगे। तो देखिए, उसके बाद में हमें लगेगा ये एक्स्ट्रा का कपड़ा। एक्स्ट्रा का कपड़ा हमें क्यों लगेगा, क्योंकि हमें इसे इसके ऊपर चिपकाना है। देखिए, जब हमारा सादा ब्लाउज होता है तब हमें कपड़ा कम होता है, हमारे ब्लाउज में कपड़ा कम होता है, तो तभी आपको मैचिंग करके थोड़ा सा गले के लिए कपड़ा लेना है और ये इसके ऊपर चिपकाना है। तो सबसे पहले हम इसे चिपका लेते हैं। तो देखिए, हमने ब्लैक कपड़ा लिया है, ब्लैक कपड़े के ऊपर हमने एक एक इंच की मार्किंग की है। ये मार्किंग हमने क्रॉस में की है, देखिए इस तरह से। मैं हर टाइम आपको बताते आ रहा हूं कि आपको सीधे में पाइपिंग नहीं करना है। देखिए, मैंने कई महिलाओं को देखा है कि वो सीधे में पाइपिंग करते हैं, लेकिन सीधे में जब पाइपिंग करते हो और आप राउंड को लगाते हो तो वहां पे वो फूगा हुआ दिखता है और गला भी पलटी होता है, इसलिए आपको क्रॉस में पाइपिंग करना होती है। आप देखिए, मैं इसे काट लेता हूं। तो देखिए, हमने ये पट्टी निकाली है, इस तरह से हमें लगेगी डोरी और यहां पे ये लगेगा हमें सिंगल फुट। अब हमें डबल वाला निकालना है और सिंगल वाला लगाना है। इसके पहले के भी वीडियो में मैंने आपको बताई है कि डोरी किस तरह से तैयार करने की, ये खाली अलग बनेगी, प्रोसीजर सेम रहेगी। तो ये देखिए, हमने इसे ज्वाइन करके लाया है। अब हमें क्या करना है, ये जो डोरी होती है इसे सेंटर में रखना है, सिर्फ हमें इसे सेंटर में रखना है इस तरह से, और इसके बाजू में सिंगल फुट से हम सिलाई लगाने वाले हैं। तो देखिए, हमने इसे इस तरह से इसके सेंटर में रखा है, इसे हमें कम ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, सेम चलाना है इसे, और इसके बाजू में इस तरह से पूरे राउंड में हमें सिलाई लगाना है। जितनी भी हमारी पट्टी होगी, हमारे गले को जितना लगेगी उतनी हमें सिलाई लगाना है। ये देखिए, ये हमारी पट्टी है, पट्टी के अंदर हमें क्या करना है, इस तरह से पाइपिंग रखना है डबल करके, और डबल करने के बाद ये हमें इसे सिलाई लगाना है। जो मैंने 13 का जो पार्ट बना है उसके अंदर मैंने किस तरह से फुट लगाया है, निकाला उसे किस तरह से, ये सभी जानकारी मैंने उसमें दी है, वहां पे जाके आप देख सकते हो। तो ये जितना हमारा गला होगा उतनी पट्टी है, हमें इसके ऊपर सिलाई लगाना है। तो देखिए, हमने ये डोरी की पाइपिंग, ये पट्टी जो है बनाई है। अब हमें लेना है नेक, ये हमारा नेक जो होगा, नेक के ऊपर हमें यहां से सिलाई लगाना है इसे, तो हम सिर्फ यहाँ पे सिलाई लगा के ले लेंगे। इसे पूरे राउंड में खाली हमें सिलाई लगाना है। तो हमने इसके ऊपर सिलाई लगाई, सिलाई इसलिए लगाई कि हमें ऊपर से पता चले कि यहां पे हमने सिलाई लगाई करके। अब हमें क्या करना होता है, अब हमें क्या करना है, इसको जो है, जो हमने पट्टी बनाई है बराबर ये सिलाई होंगी उसके ऊपर हमें रखना है इस तरह से, और रखने के बाद हमें क्या करना है, इसके बाजू में सिलाई चलाना है इस तरह से। तो ये देखिए, हमने इसे राउंड में लगा के लिया है। अभी हमें लेना है बैग, ये हमारी बैग है, और बैग के सेंटर में हमें मार्किंग करके ले लेना है इस तरह से। अब हमें क्या करना है, इसे रखना है इसके ऊपर बराबर, और उसके बाद में हमें क्या करना है, इसे सेंटर की सिलाई लगाना है। यहां तक आने के बाद हमें इसे निकाल देना है। अब हमें करना होता है सेंटर चेक, देखिए हमें इस तरह से इसे रखना है, और उसके बाद में हमें देखना है ये सेंटर हमारा बराबर आया है या नहीं आया है। तो देखिए, हमारा सेंटर बराबर से आया वाला है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे सिलाई लगाने वाले हैं। तो देखिए, हमें लगाना है यहां से सिलाई, देखिए हमारी जो लास्ट का जो सिलाई दिख रही है यहां से हमें सिलाई लगाना है, जो हमारी पाइपिंग के बाजू में सिलाई लगी। देखिए, ये जो हमारी पाइपिंग के बाजू में जी सिलाई लगी है, हमें उसके ऊपर सिलाई लगाना है। तो अब हम शुरू करते हैं सिलाई लगाने को।
सिलाई लगाने के बाद हमें क्या करना है, इसे 1/2 इंच रखते हुए इसे काट देना है इस तरह से। पूरे राउंड में हम इसी तरह से काटेंगे इसे। कटिंग करने के बाद हमारा इस तरह से ये दिखाई देगा। अब हमें क्या करना है, जो राउंड होता है उसे लगाना है नॉच। अब देखिए हम लगाएंगे इसे, एक जो हमारा जो कपड़ा है इसे हम कवर करके लेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे सिलाई लगाई है, सिर्फ इसी भाग को हमने सिलाई लगाई है। ये देखिए हमारी ये पाइपिंग देखिए कितनी खूबसूरत दिख रही है। देखिए ये अगर आप काम करते हो तो आपका काम बढ़ने ही वाला है, कम होने वाला नहीं है। इस तरह से आपको काम करना होता है। तो देखिए हमारा ये पूरा अंदर चला जाएगा और इस तरह से ये हमारी पाइपिंग दिखाई देगी। देखिए अंदर से भी कितनी फिनिशिंग दिख रही है और बाहर से भी कितनी फिनिशिंग दिख रही है। देखिए मैं जो पाइपिंग बताता हूँ इसका अगर सही में आपको लाभ होता है तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक करना है आपको। तो देखिए हमें इस तरह से करने के बाद हमें इसके ऊपर लगाना होता है प्रेस, तो हम इसे लगाएंगे प्रेस। तो देखिए आप देख सकते हो इसकी पाइपिंग का लुक, आपको पता चल रहा होगा कि किस तरह से ये पाइपिंग लगी। देखिए अंदर के साइड में भी अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये इधर से खराब दिख रहा है। तो ये कवर का मतलब होता है और ये होती है फिनिशिंग। अब ये फिनिशिंग अगर आप काम कर लेते हो तो बताइए आपको किसको पसंद नहीं आएगा, ये सभी को पसंद आने वाला है। तो इससे आपका काम बढ़ने ही वाला है। तो देखिए मैं जो सिखाता हूं, मैं आपको बहुत बारकाई से सभी चीजें सिखा रहा हूं, इसका जरूर आप लाभ लीजिए और दूसरों को भी इसको लिंक जो होगी आप शेयर कीजिए। तो चलिए हमारा ये बैग बन चुका है। अभी हमें यहाँ पे टक्स लगाना है, कमर पट्टी लगाना है। तो हमने यहाँ पे लगाया है टक्स। टक्स लगाने के बाद में हमने लगाई है कमर पट्टी। देखिए ये जो हम बना रहे हैं ये बार बार हम सिखा रहे हैं आपको। इसके पहले के भी वीडियो में मैंने आपको बताया कि कमर पट्टी किस तरह से लगती है, टक्स किस तरह से लगता है। उसके बाद में ये हमारी है बाही। अब बाही हमने किस तरह से बनाई, देखिए ये हमारी बाजू जो होगी, बाजू हमने किस तरह से लगाई। सबसे पहले हमने लगाई यहाँ पे 1/2 इंच की सिलाई और उसके बाद में हमने ये जितना भी हमने एक्स्ट्रा लिया था वहां से हमने इसे डाला है अंदर के साइड में। अंदर के साइड यानी हमने यहाँ पे मार्क करके रखा है उस साइड पे। उसी तरह से हमने दूसरी भी बाही बनाई है जो हमारी बाजू होगी उसे बनाया है। ये हमारा हो गया है। उसके बाद में हमें क्या करना है, जो हमारा योग होगा, योग को हमें डबल यहां से सिलाई पकड़ना है। ये दो जो पट्टी होगी उसकी यहां से हमें 1/2 इंच की सिलाई लगाना है और दूसरे भी बाजू को हमें यहाँ पे 1/2 इंच की सिलाई लगाना है। हम अभी लगाएंगे सिलाई। तो देखिए हमने अंदर के साइड में इसे 1/2 इंच की सिलाई लगाई है। उसके बाद में हमने यहाँ पे लगाई है प्रेस टिप। यहाँ पे भी लगाया हमने प्रेस टिप। देखिए आपको ध्यान रखना है जब हम प्रेस टिप लगाते हैं तो दोनों भी एक ही साइड में आना चाहिए। अगर एक की इस साइड में आती है और दूसरी की इस साइड में आती है तो तभी क्या हो जाता है, एक जो हमारी प्रेस टिप होती है वो जाती है अंदर के साइड में और दूसरी आती है ऊपर के साइड में। हमने पीस भी सामने सामने रखा है। उसके बाद में हमें क्या करना है, ये जो है हमारा सेंटर का जो भाग होगा उसे ओपन करेंगे हम इस तरह से। ओपन करने के बाद हमें क्या करना है, जो हमारा साइड का पीस होगा हमें रखना है इसके ऊपर इस तरह से और इसे लगाना है सिलाई। तो अब हम इसे सिलाई लगाएंगे। दूसरे भी बाजू को हम उसी तरह से रखेंगे और यहाँ पे लगाएंगे सिलाई। तो देखिए हमने रखा है एक दूसरे के ऊपर ये पीस, अब हमें लगाना है 1/2 इंच की सिलाई। तो हमें देखना है, देखिए ये हमारा बराबर आ रहा है कि नहीं। तो ये हमारा बराबर आता है तो हमें इसे 1/2 इंच की सिलाई इस तरह से हमें लगा लेना है। तो देखिए हमने जब सिलाई लगाने के बाद ये पफ होगा हमारा इस तरह से आ जाता है। अभी हमें दूसरे साइड को भी सिलाई लगाना है। अब हमें यहाँ पे चेक कर लेना है कि ये बराबर आता है कि नहीं। अगर नहीं आता है तो आप इसे नॉर्मली इस तरह से खींच सकते हो और इसे लगा सकते हो। तो देखिए हमारा ये भी पफ होगा, काफी अच्छा आ रहा है। तो ये देखिए हमारा ये फ्रंट है। अब फ्रंट को क्या करना है, हमें ये जो है हमने जिसको प्रेस टिप लगाई है उसे हमें एक्स्ट्रा छोड़ना है और जहां से हमें प्रेस टिप नहीं लगाया है उसको हमें पकड़ना है और इसके ऊपर रख देना है इस तरह से। रखने के बाद हमें क्या करना होता है,
यहां से हमें इस तरह से राउंड में आधा इंच की सिलाई लगाते हुए जाना है। तो हम सबसे पहले यहां पे सिलाई लगाएंगे। तो हमने देखिए इस तरह से दोनों योग लगाए हैं। हमें क्या करना है, अभी इसे राउंड करते हुए जाना है इस तरह से, और इसे रखना है सेंटर में। सेंटर में रखने के बाद हम इसकी ये जो जितनी भी हमने सिलाई लगाई थी वो पूरी इसके ऊपर रखेंगे, और इसे जो हमने पहली सिलाई लगाई उसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो हम इसे सिलाई लगाएंगे। दूसरे भाग को भी हम क्या करेंगे, इस तरह से रखेंगे, इसे भी राउंड करेंगे। राउंड करने के बाद हम क्या करेंगे, इसे भी इस तरह से सिलाई लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये चीजें जो होती है, हमने जो बेसिक शुरू किया था तभी मैंने आपको हर ब्लाउज में इसका योग किस तरह से लगता है, बटन पट्टी किस तरह से लगती है, हुक पट्टी किस तरह से लगती है, ये सभी मैंने आपको सिखाया है। मुझे लगता है कि आपको ये चीजें बताने की जरूरत होगी। तो मैं अभी इसके ऊपर सिलाई लगाता हूं। तो देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई लगाई है। अब हमें क्या करना होता है, जो अंदर का कपड़ा है हमें इसे बाहर खींचना होता है। तो ये हमारा पूरा पलटी हो जाता है। तो देखिए इस तरह से हमारी योग पलटी हो चुका है। इससे क्या हो जाता है, ये भाग जो होता है हमारा कवर हो जाता है, और इससे फिनिशिंग जो है अच्छी दिखती है। तो इसी तरह से हमें दूसरा भी भाग जो होगा पलटी कर लेना है। तो देखिए हमें इसे बटन पट्टी हुक पट्टी लगाना है। तो देखिए हम राइट साइड में लगाएंगे 1.5 इंच की पट्टी। देखिए ये मैं आपको हर बार समझा रहा हूं, ये हमारी 1.5 इंच की पट्टी, हमने इसे लगा के लाए हैं आधा इंच की सिलाई। अब हमें इसके ऊपर रखना है और इसे स्ट्रेट में सिलाई देना है। उसके बाद में ये हमारी 2.5 इंच की पट्टी, हमने इसे भी साइड में सिलाई लगाई है, हमें इसे इसके ऊपर रखना है, और दोनों को भी हमें सीधी सिलाई लगाना है। तो हम लगाएंगे सीधी सिलाई। तो ये देखिए हमारी 1.5 इंच की पट्टी है। 1.5 इंच की पट्टी को हमने क्या किया है, इधर से ये साइड में हमने 1.25 इंच की सिलाई लगाई है। उसके बाद में हमने लगाई इसके ऊपर किनारी। अब किनारी लगाने के बाद हमें क्या करना है, इसे डालना है पूरा अंदर। इस तरह से हम अंदर की साइड भी ले लेंगे, और ये जो आगे का भाग होता है हमें इस तरह से कवर करना होता है। कवर करने के बाद हमें क्या करना है, इसे लास्ट जो सिलाई होगी वहां से हमें सिलाई लगाना है। तो ये हमारी बटन पट्टी हुक पट्टी बन जाती है। अब हमें 2.5 इंच की पट्टी किस तरह से बनाना है ये भी देखना है। देखिए हमें क्या करना होता है, ये जो हमारा भाग है, देखिए हमने इसे आगे की साइड में लिया है। अब हमें क्या करना होता है, इसे बाहर निकालना होता है, यानी हमें इसे आधा ही फोल्ड करना है, इतना ही। अब इतना फोल्ड करने के बाद हमें क्या करना होता है, यहां से देखिए हमारा ये जो स्ट्रेट दिख रहा है, स्ट्रेट से हमें यहां पे एक सिलाई लगाना होती है। तो हम इसे सबसे पहले लगाएंगे एक स्ट्रेट सिलाई। तो ये देखिए हमने इसे सिलाई लगाई, ये हमारी हुक पट्टी तैयार हो चुकी है। और मैंने बताया था आपको यहां पे सिलाई लगाने के लिए, देखिए ये हमने सिलाई लगाने के बाद हमें क्या करना है, जो एक्स्ट्रा का कपड़ा होगा हमें इसे छोटा ऐसा कपड़ा रखना है, ज्यादा नहीं रखना है, और इसे करना है इस तरह से पलटी। अब पलटी करने के बाद हमें इसे नॉच निकालना है, देखिए इस तरह से। तो आपका ये जो है शुरू से होते हुए लास्ट तक आपको कवर दिखेगा। अब कवर दिखने के बाद हमें क्या है, ये जो कपड़ा होगा अंदर के साइड में रखना है। इस तरह से रखने के बाद हम क्या करेंगे, इसे इसके ऊपर किनारे लगाएंगे। तो ये हमारी एक्स्ट्रा पट्टी बन जाती है। तो देखिए हमने जो आपको बताया था, यहां पे हमने जो बढ़ाया हुआ, देखिए उसकी फिनिशिंग आपको इस तरह से दिख रही है। देखिए अब हमें क्या करना होता है, ये क्यों बढ़ाया होता है, जब भी आप ब्लाउज पहनते हो तो ये भाग ऊपर के साइड में आता है, तो तभी ये भाग जो है हमारा ऊपर के साइड में आ जाएगा। इसके लिए आपको यहाँ पे बढ़ाना होता है। दूसरा भी भाग देखिए हमारा इस तरह से, हम जब भी पहनते हैं ब्लाउज तो ये भाग उठ जाता है, तो ये भाग जो है हमारा ऊपर के साइड में आ जाता है, तो इसकी फिटिंग बराबर से आ जाती है। अभी हमें क्या करना होता है, यहाँ पे जो हमारा गला, देखिए हमने पीछे के साइड में लगाई है पाइपिंग, अब हमें आगे के साइड में करना है हाथ सिलाई। देखिए ये मेरी चीज छूट गई थी कि हाथ सिलाई किस तरह से की जाती है, तो मैं आज वो भी आपको बताने वाला हूं। तो देखिए मैंने आपको जैसे पहले से मैं बता रहा हूं आपको कि क्रॉस में ही आपको पट्टी निकालना है, ये मैंने क्रॉस में पट्टी 1.5 इंच की निकाल के रखी है। अब हमें इसके ऊपर रखना है और इसे 1.25 इंच की सिलाई लगानी। देखिए अभी जब आप हाथ सिलाई पट्टी लगाते हो तब आप इसे नहीं खींचेंगे, आप इसे खींचने वाले नहीं है, आराम से लगाते हुए 1.25 इंच की सिलाई इस तरह से लगाएंगे। तो हम इसे 1.25 इंच की सिलाई लगा के लाते हैं। तो हमने देखिए यहां पे 1.25 इंच की सिलाई लगाई है। अब हमें क्या करना होता है, इसे इस तरह से रखना है।
आगे लेने के बाद हमें क्या करना है, ये जो अंदर की जो सिलाई मार्जिन होगी हमें इसे अंदर रखना है, और उसके बाद में हमें छोटी सी एक फोल्ड करके इसके ऊपर किनारी लगाना है। हम इसके ऊपर क्या करेंगे, प्रेस टिप लगाएंगे और साइज जो होगी हमारी इतनी ही आएगी। इससे क्या हो जाता है कि हमें राउंड जो होता है वहां पे अच्छा से राउंड आ जाता है। तो ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है, ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा हमें इसे काट लेना है, तो हम इसे काट लेते हैं। देखिए हमने शोल्डर को सिलाई लगाने के बाद हम इसे पल्टी करेंगे, तो पल्टी करेंगे तो ये भाग जो होगा हमारा कवर हो जाता है इस तरह से, तो यहाँ पे फिनिशिंग दिखाई देती है। तो इसी तरह से हम दूसरा भी पल्टी करेंगे, और उसके बाद में हमें लगाना है स्लीव्स। हम अभी स्लीव्स लगाएंगे, उसके बाद में हमें करना होता है फिटिंग, और जिस तरह से हमने पहले वीडियो में आपको बताया उसी तरह से बाकी की प्रोसीजर होगी। तो हमें मेन दिखाना होता है, हमने सभी आपको दिखाई, देखिए हमने ये पाइपिंग आपको दिखाई है, मेन आपको ये सीखना था, उसके बाद में आपको सीखना था फ्रंट, ये जो फ्रंट जो था हमारा ये आपको सीखना था मेन, उसके बाद में ये पफ किस तरह से आता है ये हमने सिखाया है, और ये बाकी का जो प्रोसीजर है हमारा सेम होता है।